राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। भगवान श्री राम के साक्षात अवतरण की धरती, आध्यात्मिक आदिनगरी, सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ और सनातन संस्कृति के नाभि केंद्र, सांस्कृतिक राजधानी अयोध्या में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के जन्मस्थान पर दिव्य भव्य नव्य मंदिर का पुनर्निर्माण तो हो ही रहा है, साथ ही साथ अयोध्या की आध्यात्मिकता को सजोकर, अयोध्या की आत्मा को सहेजकर भव्य और आधुनिक अयोध्या का निर्माण भी हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे श्री राम लला के जन्मस्थान पर बन रहा है दिव्य भव्य मंदिर और कैसे हो रहा है अयोध्या का कायान्वयन। निरंतर वहती शाश्वत सरयूनी धारा सनातन संस्कृति ना दरेक अध्याय नी साक्षी छे। अयोध्या नगरी परंपरा थी लईने, सांस्कृतिक वारसा थी लईने, चरित्र अने प्राग ऐतिहासिक थी लईने अनादि काल थी राममय छे। जो वर्तमान समय ने सनातन संस्कृति नो संक्रांति काल गणी शकाय तो आ समय अयोध्या ना नव निर्माण नो सुवर्ण काल पण छे। वर्तमान में जो सनातन धर्म के एक स्वर्णिम काल का अवसर है, जो मंदिर बन रहा है, उसका सारा श्रेय सनातन धर्मावलंबी और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी और जो हमारे इस आंदोलन में शहीद हुए राम भक्त कार सेवक, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, हृदय से श्रद्धावनत हूँ। अजय अयोध्या नो वनवास पूरो थयो छे। श्री राम जन्मभूमि पर लोकोनी आकांक्षा दिव्य भव्य आकार लई रही छे अने बीजी तरफ अयोध्या नो गौरव फरी स्थापित थई रह्यु छे। समग्र अयोध्या नो कायाकल्प करवामां आवी रह्यो छे जेथी तेने सनातन संस्कृतिना दिव्य केंद्र तरीके विकसावी शकाय। संत समाज आध्यात्मिक नगरी अयोध्यानी भावनानु जतन करीने तेने नवा रंग रूप आपवानी आ प्रक्रियानी खुल्ला दिलथी प्रशंसा करी रह्या छे। साधुओं में अपार उत्साह है कि वो संत जो निरंतर राम नाम सीताराम भगवान राम की नाम की गुणगान, उनकी महिमा, उनकी चरण, उनकी बंदन, उनके अंतःकरण में जो संत सदैव निरंतर प्रयत्नशील हैं समर्पण भाव से, उनके मन में एक अपार उत्साह। अयोध्या राम लला नु जन्म स्थल छे। त्यो बालपण मा रम्या हता ते पावन धरा छे। साथेज अयोध्या सनातन संस्कृति नु केंद्र बिंदु छे। श्री राम भारत नो आत्मा छे तो अयोध्या भारत नी सांस्कृतिक ओळख छे। श्री राम भारत नो अतीत छे, वर्तमान अने भविष्य पण छे अने अयोध्या हवे तेना अतीत माथी निकळीने सोनेरी भविष्यनी दिशामां आगळ वधी रही छे। श्रमेव जयते हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। श्रम का सम्मान हमारी संस्कृति का अभिमान है। भगवान श्री राम के जन्मस्थान पर ऐतिहासिक मंदिर का जब निर्माण हो रहा है तो इस संकल्पना को साकार कर रहे हैं हमारे श्रमयोगी, हमारे श्रम साधक, हमारे श्रमजीवी और बस मन में एक ही भाव है, राम काज कीन्हे बिना राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। जेमना पर राम नी कृपा वरसे ते पत्थर पण तरी जाय छे। त्रेता युग मां सेतु बंध नु निर्माण अने तेनो प्रसंग अद्भुत छे। कदाच नल नील नु इजनेरी कौशल्य अने वानर सेनानी मेहनते राम नामना पत्थरो थी अशक्य लागतु काम पण शक्य करी बताव्यु। અને હવે કળિયુગમાં પણ શ્રી રામની કૃપાથી જ એક અલૌકિક સ્વરૂપને સાકાર કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેમાં વૈદિક પદ્ધતિ અને અત્યાધુનિક ટેકનોલોજીનો અદ્ભુત સમન્વય છે। અયોધ્યામાં શ્રી રામ જન્મભૂમિ પર
श्रम योगीओनी सेना रामलला विराट वैभव ने साकार करी रही छे। श्रमिक बंधुओं को हम बहुत आदर और बहुत उनके प्रति अहोभाव व्यक्त करते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम जब सेतु बना रहे थे उस समय एक गिलहरी आकर के रेते में लेट जाती थी, समुद्र में जाए और रेते में लेटे, फिर जा कर के वहाँ अपना रेता डाल देती थी सेतु बंध में। तो लोगों ने पूछा कि तुम्हारे ऐसा करने से क्या होगा, तो गिलहरी ने कहा था कि कुछ हो या ना हो लेकिन एक बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा था, तो गिलहरी का भी उसमें योगदान था। तो उस सेतु बंधु की ही तरह ये श्री राम जी का भव्य दिव्य मंदिर है, राम जी का निज निवास है, उनका जन्मभूमि है, वहाँ वहाँ पर जो भी श्रमिक बंधु लगे हैं वो बहुत ही स्तुत्य हैं, बहुत ही प्रशंसनीय हैं और उनके प्रति बहुत बहुत हम साधुवाद अहोभाव व्यक्त करते हैं। आ कर्मयोगियों संपूर्ण समर्पण साथे मात्र पत्थरों कूतरी नहीं रहा परंतु तेमनु भाग्य बदली रहा छे। आ पत्थरों सामान्य बांधकाम ना नथी परंतु भगवान श्री राम ललाना मंदिर ना छे अने मंदिर ना दरेक पत्थर श्री राम नी जैमज पूज्य छे। अयोध्या मा निर्माणाधीन श्री राम मंदिर मा प्राण प्रतिष्ठा मा भले हजू थोड़ो समय बाकी छे परंतु राम नामना संकल्प साथे ज आपणा श्रम साधकोनी श्रम साधना अविरत चाली रही छे। आ कोई सामान्य कारीगरो अने श्रमिको नथी, आ तो साधको छे, तेओ सर्जक छे अने सर्जन करी रहा छे। सर्जनहारना अलौकिक मंदिरनुं रामनू नाम, रामनू काम, रामनी धुन, रामनी लग्नी अने मंदिरनू अद्भुत स्थापत्य सौथी सुंदर निर्माण करवानी प्रेरणा आपे छे। जय श्री राम। श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये मंदिर अयोध्या में बन रहा है, बहुत ही सुंदर मंदिर बन रहा है, शिल्प शास्त्र में प्रथम श्रेणी का ये मंदिर है, इससे बड़ा मंदिर हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं बन रहा। मेरे को इस काम से बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मैंने ये काम बंद करने के बाद में भी श्री प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा था तो मैंने ये पुनः फिर काम चालू कर दिया है, और मैं तन मन से मैं चाहता हूँ कि प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर में सबसे सुंदर डिजाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मंदिर ना निर्माण मा जोड़ायेला तमाम कारीगरो अने श्रमिको पोताने भाग्यशाली माने छे कि तेमने पण आ महायज्ञ मा पोतानु योगदान आपवानो अवसर मळ्यो छे। पत्थरनी कोतरणी करनारा शिल्पीओ होय के पछी पत्थर जोड़नारा कारीगरो होय के सामान्य श्रमिको, दरेक जण पोतानु काम पूरेपूरी धगश साथे करी रह्या छे। श्री राम मंदिर ना निर्माणनु दरेक व्यक्ति ने पुण्य अवसर जेवू लागे छे। मेरे को करते करते करीब 25 साल हो गई काम को करते करते, बहुत से मंदिर बनाए और कई एक जगह गया मगर यहाँ जैसा काम नहीं मिल पाया। बहुत हार्दिक खुशी होती है कि भगवान का काम हमको मिला। आखा संसार ना सर्जक माटे बनी रहेला मंदिर मा पोतानु श्रमदान करीने दरेक श्रमजीवी मा आत्मगौरवनी भावना वधु घेरी बनी छे। युवान होय के वृद्ध, दरेक श्रम साधक पोताना काम अने अनुभव अंगे खूबज भाव विभोर छे। सौभाग्य है हमारा जो हम राम मंदिर में काम करने के लिए आए हैं, जो हम तो हमारे माता पिता बच्चे बीवी सब खुश है, सब खुश है। तो वो कहते हैं कि वहाँ पे कैसा है कैसा नहीं है, तो हम के बोलते हैं कि अच्छा है, अच्छा लग रहा है, सब ठीक ठाक है। અહીં આવીને એવું લાગે છે કે મંદિર નિર્માણમાં સંપૂર્ણ દેશ કામ પર લાગ્યો છે। મંદિર નિર્માણના કામમાં દેશભરમાંથી લોકો જોડાયા છે। એન્જિનિયર,
सुपरवाइजर थी लईने सामान्य श्रमिकों सुधीना लोको देशना जुदा जुदा भागों माथी अहीं आवीने जनमानसना आराध्यना मंदिर ने आकार आपी रह्या छे। नक्षीकाम अने पत्थर कापवानुं मोटा भागनुं काम मध्य प्रदेशना मुरैना अने राजस्थानना पिंडवाड़ामां थाय छे। मध्य प्रदेश अने राजस्थानना सैकड़ों कारीगरो तेमना हाथना कौशल्यथी मंदिरनी शोभा वधारी रह्या छे। पत्थर का पहले पूरा माँ बाप देख के उसको ऊपर ला रहे हैं, फिर सेटिंग कर रहे हैं हम लोग। जहाँ का पत्थर हो वहाँ का, वहाँ से उठाते हैं और ऊपर ला के सेटिंग कर रहे हैं। उसमें जॉइंट भी आता है, जॉइंट के अंदर जो क्लैंप आता है क्लैंप डालते हैं और उसको हाल भी देता है, वो नीचे खड्डा करके उसको हाल डालते हैं। वो अगर लोहे का डालेंगे तो क्लैंप वो छट जाता है, और तांबे का डालते हैं तो उसको छटता नहीं है, उसका लाइफ हो जाता है, तो क्लैंप बना के डालते हैं। और यहाँ पे आने के बाद हमको एक अलग सी फीलिंग आती है, ऐसे रामलला का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये मोदी जी को श्रेय जाता है पूरा, कि उन्होंने काफ़ी लंबे समय से जो काम अटका पड़ा था अपने रामलला का, आज राम मंदिर का काम हो रहा है, बड़ा गर्व होता है। और इसको हम मतलब अपने दिलो दिमाग से जितना मजबूती से काम कर सकते हैं और कर रहे हैं। મંદિરના નિર્માણની સાથે જ સાથી શ્રમિકોની સુરક્ષા અને સંભાળ રાખનારા યુનિટમાં આજુબાજુના જિલ્લાઓમાંથી મોટી સંખ્યામાં યુવાનો જોડાય છે, જેમને રોજગાર મળવાની સાથે જ આત્મગૌરવનો અનુભવ થાય છે। हर जगह से यहाँ पे जैसे कि हम सुनते हैं, पुराणों में सुने हैं जो चीज़, या कहानियों में सुने, आज उनको रियल करने का समय मिला है तो बहुत अच्छा लगता है सर, गर्व महसूस होता है कि यहाँ पे हम काम कर रहे हैं श्री राम जन्मभूमि में। पूरा डेवलपमेंट चल रहा है अयोध्या में, तो अच्छे खासे रोजगार इधर मिल रहे हैं लोगों को, और लोग अपने घर के करीब काम करके बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। सब बहुत खुश होते हैं, गांव के लोग हैं कि बोलते हैं कि हाँ मंदिर में काम कर रहा है, अच्छा काम है ये, सबको अच्छा लगता है। सभी पूछते हैं कि कितना बन गया, कब तक तैयार हो जाएगा मंदिर। मंदिर ना निर्माण में जोड़ायेला श्रम साधकों तेमना पुरुषार्थ परिश्रम अने प्रतिबद्धता थी आ पुण्य संकल्पना ने खरेखर में साकार स्वरूप आपी रह्या छे। અને આ કાલાતીત ઐતિહાસિક નિર્માણનો ભાગ બનીને ઇતિહાસ રચી રહ્યા છે। 5 અગસ્ત 2020 કો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કે કરકમલો સે ભગવાન શ્રીરામ કે જન્મસ્થાન પર દિવ્ય ભવ્ય નવ્ય મંદિર કે પુનર્નિર્માણ કે લિયે ભૂમિપૂજન કિયા ગયા। શતાબ્દીઓ કી અભિલાષા પૂર્ણ હુઈ, પીઢ઼ીઓ કી મનોકામના પૂર્ણ હુઈ, ઓર 5 અગસ્ત 2020 કે બાદ સે મંદિર નિર્માણ કી પ્રક્રિયા सतत जारी है। ये महायज्ञ अहर्निश जारी है, और 3 वर्षों के अंतराल से भी कम समय में अब मंदिर एक वृहद और भव्य आकार ले चुका है। पांच अगस्त 2020 सदियों थी अधूरी अभिलाषा फड़ीभूत थवानो दिवस, कोटी कोटी भारतीयों की मनोकामना पूरी थवानो दिवस। वैचारिक सामाजिक सांस्कृतिक अने कानूनी लड़ाई पछी आखरे 5 ऑगस्टना रोज एक घड़ी आवी ज्यारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए श्री राम जन्मभूमि मां मंदिरना पुनर्निर्माण माटे भूमिपूजन कर्यु। कोटी कोटी भारतीयों सदियोथी जेनी प्रतीक्षा मां हता ते आकांक्षाओ पूरी थई। अयोध्या मां ज श्री रामनो वनवास पूरो थयो, अयोध्याना वैराग्यमां सौभाग्यनो उदय थयो, અને હવે અયોધ્યાની ગરિમા પુનઃસ્થાપિત કરવાનો મહાસંકલ્પ સિદ્ધિ ભણી આગળ વધી રહ્યો છે। તમામ મનોરથ પૂરા થવાની ઘડી હવે બહુ નજીક છે। રામ જન્મભૂમિ પર આકાર લઈ રહેલા દિવ્ય ભવ્ય મંદિરમાં રામલલાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો સમય પણ નજીક આવી ગયો છે। પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા ભૂતલ પર હે, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર વો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા હમને દિસંબર 2023 कहा है, मैं उसी को मकर संक्रांति बोल रहा हूँ। ऊपर के 2 तल अगले 6-7 महीने 8 महीने में, यानी 2024।
जो अयोध्या में निर्माण पामी रहेलू रामलला नु विशाल मंदिर लोको माटे अपार श्रद्धा नु केंद्र छे, तो ते परंपरा टेक्नोलॉजी अने आधुनिकता नो संगम पण छे। आखू मंदिर एक विशाल मानव निर्मित शिलाखंड जेवा पाया पर बनी रह्यु छे। मंदिर ना निर्माण मा केटलाक पड़कारो हता, जेनो उकेल टेक्निकल निष्णातोनी समितिए कर्यो छे। हमने यहाँ पे बोरहोल्स किए हैं, बोरहोल 120 मीटर तक हम लोगों ने उसका बोरहोल करके उसका सॉइल का पूरा जब इन्वेस्टिगेशन किया तो मालूम चला कि यहाँ पे हार्ड रॉक नीचे में नहीं है और पूरा सॉइल ही सॉइल है नीचे तक। और उसको भी जब देखा तो 9 मीटर तक लूज अर्थ था, तो फिर डिसाइड हुआ था कि 9 मीटर और उसके बाद में आगे 3 मीटर और, तो टोटल 12 मीटर तक ये पूरा एरिया का जितनी भी लूज अर्थ थे वो पूरा निकाला है। M3 ग्रेड का कंक्रीट का डिज़ाइन करके उसको हम लोगों ने एक एक लेयर, एक एक फीट का एक एक लेयर डाला उसको लूज, और उसको हम लोगों ने रोलर कॉम्पैक्टेड से कॉम्पैक्शन किया, जो कि फाइनली वो 250 mm का कॉम्पैक्शन के बाद में मिला। ऐसा ऐसा 250 mm के 54 लेयर्स डालते हुए हम लोगों ने ये पूरा एरिया को कंक्रीट से भरा इसके लिए, सो दैट ये एक हिसाब से एक आर्टिफिशियल रॉक फॉर्म हो गया। 15 मार्च 2021 ना रोज परोढ़िए शुभ मुहूर्त मा श्री राम जन्मभूमि स्थल पर वैदिक पूजन साथे श्री राम मंदिर ना निर्माण माटे शिलारोपण ना काम नो शुभारंभ थयो, अने त्यार थी निरंतर मंदिर निर्माण नी प्रक्रिया आगळ वधी रही छे। रामलला नु मंदिर कालातीत होय, काल ना कपाल पर मंदिर ना अमिट हस्ताक्षर होय, मंदिर सनातन संस्कृति नो दिव्य प्रकाश स्तंभ बने, ते माटे कोई ज कसर छोड़वा मा नथी आवी। जब 1000 साल के लिए अगर मंदिर का डिजाइन करना है तो उसके लिए जो भी उसका मटेरियल यूज में लेना है उसकी लाइफ 100% 1000 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। और हम अगर कंक्रीट या फिर रेनफोर्समेंट जो कि आयरन सरिया जो काम में आता है उन सबको अगर यूज़ लें तो उनकी लाइफ जो भी अभी तक प्रूवन है वो 100 साल या उससे कम है। तो डिसाइड किया गया है कि ऐसा कोई मटेरियल यूज़ में नहीं लें जिसकी लाइफ 1000 साल से कम है। तो पत्थर से ही पूरा मंदिर बन रहा है, और जहाँ पर भी पत्थर को एक पत्थर को दूसरे पत्थर से जोड़ रहे हैं तो या तो उसमें इंटरलॉकिंग हो रही है पत्थर की शेयर की से, और या फिर जहाँ भी हमको मेटल यूज में लेना है तो हम लोग कॉपर के क्लैंप्स बना के उसमें काम में ले जाए। राजस्थान ना गुलाबी सैंडस्टोन पर थई रहेली सुंदर कोतरणी मंदिर ने अलौकिक सौंदर्य आपी रही छे। आखू मंदिर आर्किटेक्चर अने इंजीनियरिंग नु विश्व विख्यात बांधकाम छे, जेमा अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी नो उपयोग करवामां आवी रह्यो छे। पत्थरों ने चौक्कस माप मा काप्या पछी तेने जोड़वा माटे पत्थरों मा जग्या करी तेमने एक बीजानी ऊपर राखवामा आवे छे, अने तांबाना क्लैंप थी तेना सांधा मजबूत करवामा आवी रह्या छे। भावी पूर्ण मंदिर नी लंबाई 360 फूट, पहोळाई 235 फूट अने ऊंचाई 161 फूट हशे, अने आ मंदिर 3 माळ नु हशे। निर्माण की संपूर्ण कामगिरी नियत समय में पूरी करवामां आवी रही छे, अने हाल में मंदिर ना भोंयतळियाना बांधकाम की प्रक्रिया अंतिम तबक्का में छे। मंदिर नु निर्माण थई गया पछी रामलला ना दर्शनार्थियों की संख्या में 4-5 गणो वधारो थवानी धारणा छे। मंदिर ना कद अने प्रकार में लगभग 1.5 गणो वधारो थवानी साथे ज संकुल नु विस्तरण पण अपेक्षित हतुं। सुप्रीम कोर्ट पासे थी लगभग 68 एकर जमीन मिळव्या पछी श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्रए मंदिर नी आसपास कितलाय एकर जमीन खरीदी लीधी, जेथी मंदिर उपरांत मंदिर नी आसपास नी किल्लेबंदी अने श्रद्धाळुओ माटे सुविधा केन्द्र नु निर्माण करी शकाय। मंदिर के चारों ओर आयताकार चारों दिशाओं में लगभग 800 मीटर लंबाई, ऐसी एक 14 फीट चौड़ी दीवार बनेगी जिसे टेम्पल की भाषा में परकोटा कहेंगे। 14 फीट चौड़ा
आयताकार है, चार कोने हो गए, चार कोनों पर चार मंदिर, दो भुजाएं लंबी होंगी, एक भुजा के बीच में हनुमान जी और दूसरी भुजा के बीच में अन्नपूर्णा, तो परकोटे में छह मंदिर होंगे। दर्शन करके दक्षिण दिशा से लोग बाहर निकलेंगे, बाहर निकलते हुए एक महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषादराज, शबरी, अहिल्या, जटायु, इनको निर्माण किया जाएगा। नागर शैली में बनी रहेलू आ मंदिर देश ना सौथी भव्य मंदिरों मानु एक छे अने स्थापत्य तेमज शिल्पनी दृष्टिए पण अनन्य छे। मंदिरनु अष्टकोण आकारनु गर्भगृह, मंदिरनी ध्यानाकर्षक कोतरणी, मंदिरनु ऊंचू शिखर, मंदिरनी आसपासनी किल्लेबंधी अने आखू मंदिर संकुल तेनु निर्माण थई गया पछी आखी दुनिया मा नवा भारतनी शक्ति, सामर्थ्य अने सांस्कृतिक समझणने खूब ज सारी रीते दर्शावशे। अयोध्या में केवल भगवान श्री राम के मंदिर का ही निर्माण नहीं हो रहा है, शहर का कायाकल्प भी हो रहा है। आने वाले वर्षों में श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए यहाँ संपर्क और संचार के माध्यमों में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। यह अयोध्या का नवनिर्मित रेलवे स्टेशन है जो कि विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस है। इसी तरीके से नया बस अड्डा और नया हवाई अड्डा भी यहाँ विकसित किया जा रहा है। आधारभूत संरचना में विस्तार के साथ ही साथ इस पूरे शहर और इस पूरे क्षेत्र में रोजगार और अवसर के नए द्वार खुल रहे हैं। यहाँ कण कण मा वस्या छे राम, बदलाई रहू छे ते धाम। अयोध्या मा मात्र श्री राम लला ना मंदिर नु निर्माण नथी थई रह्यु, परंतु आ धार्मिक नगरी नो पण कर्मयोग थी कायाकल्प करवामा आवी रह्यो छे। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर ना निर्माण साथे नजीक ना भविष्य मा भक्तों की संख्या में 3-5 गणो वधारो थवानी संभावना छे अने तेथी अयोध्या तेमज तेनी आसपास ना इन्फ्रास्ट्रक्चर नू व्यापकपणे विस्तरण करवामां आवी रह्यु छे। अयोध्या मा नवा विस्तरण करायेला रेलवे स्टेशन नू काम चाली रह्यु छे। विश्वस्तरीय सुविधाओं थी सज्ज अयोध्या ना विस्तरण करायेल स्टेशन ना प्रथम तबक्का नू काम लगभग 100 करोड़ ना खर्चे पूर्ण करवामां आव्यु छे। नवा रेलवे स्टेशन मा लिफ्ट, रैम्प, एस्केलेटर, एसी वेटिंग रूम, 100 बेड नो शयन कक्ष अने डोरमेट्री तेमज यात्राळुओ माटेनी अन्य सुविधाओ छे। आ स्टेशन एक दिवस मा 4.5 लाख थी 5 लाख भक्तोना आवागमन नु संचालन करवा माटे सक्षम छे। जाहिर सी बात है, जब यहाँ विकास की गंगा चारों ओर बह रही है तो अवसर भी अधिक बनते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं रोड काफ़ी अच्छे धीरे धीरे हो रहे हैं। स्टेशन सामने देख रहे हैं कि पहले कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे डबलिंग का काम भी हो गया है, हो रहा है और इलेक्ट्रिक भी हो गया है। यहाँ के आने वाले हर वर्ग को, व्यवसायी वर्ग को, मजदूर वर्ग को, हर लोगों को काम मिलेगा। रोजी रोजगार तो पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले जो जैसे 30% आदमी आते थे, अभी जो हैं 60% आदमी आ रहे हैं। उससे रोजगार लोगों को, हम सभी लोगों को, रिक्शा वाले हैं, दुकानदार हैं, सभी लोगों को रोजगार काफी ज्यादा मात्रा में मिल रहा है। अयोध्यानो कायाकल्प जोईने अहीं आवनारा लोको अत्यंत खुश देखाय छे अने भविष्य बाबते पण घणा आशावादी छे। लोको माने छे कि आवनारा वर्षोमां अयोध्या नगरी धर्मनी साथे साथे व्यापार, वाणिज्य अने पर्यटनना केन्द्र तरीके उभरी आवशे। अयोध्या आज के डेट में बहुत बड़ा हुआ है, हम घूमे यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। सरयू तट से लेकर के हनुमान गली, हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि, वहाँ तक बहुत अच्छा लगा हमको घूमने में। अर्थात बाकी सड़क योजना या और प्रशासन से लेके हर चीज़ तक हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि रोड भी बहुत चौड़ी चौड़ी बन रही हैं, पहले तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था। बहुत सारे जन को रोज़गार मिलेगा, रोड से लेके होटल, घर, रेस्टोरेंट, हर एक चीज के लिए सुविधा होगी। तमे समग्र अयोध्या मा फरशो तो तमने दरेक जग्याए बांधकाम चालतु जोवा मळशे। लाखो करोड़ो भक्तोनी आस्थाना केंद्र एवा राम मंदिर मा राम लला ना दर्शन नी प्रतीक्षा सरल बनावा माटे
राम पथ, भक्ति पथ, राम जन्मभूमि पथ, धर्म पथ पण आकार लई रह्या छे। बांधकाम प्रवृत्तिओने कारणे अहीं नवा व्यापार अने रोजगारनी नवी तको खुली रही छे। जितने भी युवा है उनको जैसे कि गाइड हो करने का, कि जो दूसरे देश से हमारे पर्यटक आने वाले हैं उनको गाइड बन के यहाँ पे जो अलग अलग यहाँ की सांस्कृतिक कलाएं हैं और हमारे मंदिरें हैं वो सारे दिखाने का, और ये हमारे संस्कृत मतलब हमारे कल्चर के साथ में उनको एक कमाई का जरिया भी बन जाएगा। अयोध्या थी फूंकायेला परिवर्तन ना पवन नो प्रभाव आखा पूर्वांचल, अवध અને સમગ્ર ઉત્તર પ્રદેશમાં સ્પષ્ટપણે જોવા મળી રહ્યો છે। શ્રી રામ મંદિરના નિર્માણ અને અયોધ્યાના દીપોત્સવે પર્યટન અને તીર્થ યાત્રાની સાથે જ શક્યતાઓના નવા દરવાજા ખોલ્યા છે। અયોધ્યાના કાયાકલ્પની યોજનાઓથી સ્પષ્ટ છે કે આવનારા વર્ષોમાં અયોધ્યા અને સમગ્ર અવધ તેમજ પૂર્વાંચલમાં ધાર્મિક, વ્યાવસાયિક, વ્યાપારી પ્રવૃત્તિઓ વચ્ચે રોજગારીની નવી તકોનું સર્જન થશે। રામ કી પૈડી થી સરયુ તટ સુધી, અયોધ્યાની શેરીઓ થી લઈને હનુમાનગઢી મંદિર સુધી એક સકારાત્મક ઉર્જા અને ઉત્સાહનો અનુભવ પોતે જ પરિવર્તનની ગાથા કહે છે। એક સમયે છાવણીમાં પરિવર્તિત થયેલી અયોધ્યા આજે ભક્તોથી ભરેલી છે। રામલલાના દર્શન કરવા માટે ભક્તોની ભીડ ઉમટી રહી છે। ભક્તોની ભક્તિમાં તરબોળ થઈને અયોધ્યા કરુણાસાગરની ભક્તિમાં અનંત ડૂબકી લગાવી રહી છે અને વિકાસના પ્રશસ્ત પુણ્ય માર્ગ પર આગળ વધી રહી છે। અયોધ્યાના ગૌરવમાં ભગવાન શ્રી રામે પોતે કહ્યું છે, અવધપુરી સમપ્રિય નહીં સોઉ, યહ પ્રસંગ જાનઈ કોઉ કોઉ। શ્રી રામલલા કા યે મંદિર સંકલ્પ સે સિદ્ધિ કા પ્રમાણ હૈ, સાથ હી સાથ સત્યમેવ જયતે ઓર શ્રમેવ જયતે કે મૂળ મંત્ર કે સાથ भारत के उत्कर्ष की नई गाथा भी बयां करता है। भगवान श्री राम का ये मंदिर राम राज की स्थापना के प्रण को भी और प्रगाढ़ करता है। वह राम राज जो कहता है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर रह ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुत नीति। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। जय सियाराम।